Okay, in this lecture we will understand the radiation pattern of the monopole antenna. तो आप देखिए यहाँ पे ये क्या है, एक डाइपोल एंटीना है. मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि जो मोनोपोल का फॉर्मेशन किया है वो विद द हेल्प ऑफ डाइपोल किया है. डाइपोल का ये जो दूसरा आर्म है इसको कैसे कनेक्ट कर दिया, ग्राउंड बना दिया, तो हमारा कौन सा स्ट्रक्चर बन जाएगा, मोनोपोल स्ट्रक्चर बन जाएगा. तो यहाँ पे देखिए कि डाइपोल का ओरिएंटेशन किस एक्सिस के अलोंग है, जेड एक्सिस के अलोंग है. ये कौन सा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है. यदि मान लीजिए इस डाइपोल को कोई जेड एक्सिस से देखे तो कौन सा प्लेन दिखेगा, एक्स वाई प्लेन दिखेगा. कोई एक्स एक्सिस से देखे तो कौन सा प्लेन दिखेगा, वाई जेड प्लेन दिखेगा. और कोई यदि वाई एक्सिस से देखे तो एक्स जेड प्लेन दिखेगा. मैंने आपको पहले भी बताया कि जो डाइपोल एंटीना है इट प्रोड्यूसेस ओमनी डायरेक्शनल रेडिएशन पैटर्न. ओमनी डायरेक्शनल रेडिएशन पैटर्न मतलब डोनट. डोनट के बीच में आप ये डाइपोल को लगा दीजिए और डोनट को जेड एक्सिस से देखिए. डोनट को यदि जेड एक्सिस से देखेंगे तो आपको कौन सा प्लेन दिखेगा, एक्स वाई प्लेन दिखेगा. तो ये एक्स वाई प्लेन दिखेगा. ये डोनट को देखेंगे, आप देख लेना डोनट कैसे बनता है. तो एक्स वाई प्लेन दिखेगा. एक्स वाई प्लेन पे मुझे डोनट को यदि मैं टॉप से देखूंगा तो मुझे क्या दिखेगा, सर्कल दिखेगा. तो मैंने ये सर्कल बना लिया. अच्छा, दूसरी बात, यदि मैं इसे एक्स एक्सिस से देखूंगा तो एक्स एक्सिस से देखूंगा तो मुझे कौन सा दिखेगा, वाई जेड प्लेन दिखेगा. वाई जेड पे मुझे कैसा दिखेगा, ये एट शेप का रेडिएशन पैटर्न दिखेगा. यदि मैं वाई एक्सिस से देखूंगा तो मुझे कौन सा प्लेन दिखेगा, एक्स जेड प्लेन दिखेगा. और मुझे फिर से एट शेप का रेडिएशन पैटर्न दिखेगा. जेड एक्सिस से मेज़र किया जाने वाला एंगल क्या कहलाता है, एलिवेशन एंगल, इसे हम थीटा भी कहते हैं. तो आप मेरा रेडिएशन पैटर्न का वीडियो लेक्चर देख लेना कि डोनट शेप कैसा बनता है. डोनट शेप को यदि जेड एक्सिस से देखेंगे तो कैसा पैटर्न दिखेगा, एक्स एक्सिस से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, वाई एक्सिस से देखेंगे तो कैसा दिखेगा. या कि आप मेरा डाइपोल एंटीना का लेक्चर देख लेना, वहाँ पर आपको ये चीज़ें क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी. तो मैंने क्या बोला कि जो मोनोपोल एंटीना है, मोनोपोल एंटीना हमने किससे बनाया, डाइपोल एंटीना से बनाया. तो आप देखिए मोनोपोल में ये कैसा है, ये क्या चीज़ है, ग्राउंड प्लेन है. एक्स वाई प्लेन क्या है, ग्राउंड प्लेन है. ग्राउंड प्लेन मतलब कंडक्टर है. कंडक्टर के अंदर तो फील्ड नहीं जा सकता. आप देखिए यहाँ पे मैंने, देखिए इस मोनोपोल को, यदि ये मोनोपोल भी कैसा रेडिएशन पैटर्न प्रोड्यूस करता, ओमनी डायरेक्शनल रेडिएशन पैटर्न प्रोड्यूस करता है, लेकिन हाफ ऑफ द हेमीस्फेयर में. हाफ ऑफ द हेमीस्फेयर कहने का मतलब क्या है कि ये जो डोनट था, ये डोनट जो है एक्स वाई प्लेन के नीचे भी दिखेगा, लेकिन इस केस में एक्स वाई प्लेन के नीचे डोनट नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये यहाँ पे क्या है, ग्राउंड प्लेन है. ग्राउंड प्लेन में जितनी भी फील्ड होंगी सबकी सब क्या हो जाएंगी, शॉर्ट हो जाएंगी, वैनिश हो जाएंगी. तो मतलब ग्राउंड प्लेन के नीचे की तरफ किसी भी तरीके का मुझे फील्ड नहीं दिखेगा. तो आप देखिए सबसे पहले यदि मैं इस मोनोपोल को जेड एक्सिस से देखूंगा, फिर से कौन सा शेप दिखेगा, डोनट, लेकिन कहाँ पर, हाफ ऑफ द हेमीस्फेयर. हाफ ऑफ द हेमीस्फेयर कहने का मतलब क्या है, एक्स वाई प्लेन के ऊपर की तरफ. तो यदि मैं इसको देखूंगा तो जेड एक्सिस से देखूंगा तो कौन सा दिखेगा, आपको एक्स वाई प्लेन दिखेगा. एक्स वाई प्लेन पे सर्कल, देखिए इस केस में भी एक्स वाई प्लेन पे सर्कल दिखा. यदि मैं इसको एक्स एक्सिस से देखूं, इसको एक्स एक्सिस से देख रहा था तो मुझे कौन सा प्लेन दिख रहा था, वाई जेड प्लेन दिख रहा था. चलिए अब मैं इसको एक्स एक्सिस से देख रहा हूं तो भी मुझे वाई जेड प्लेन दिखेगा. जब मैंने इसको एक्स एक्सिस से देखा तो कैसा शेप दिख रहा था, एट शेप दिख रहा था. जब मैंने इसको एक्स एक्सिस से देखा तो मुझे एट का ऊपर वाला पोर्शन दिखा, नीचे वाला नहीं दिखा. क्यों नहीं दिखा, क्योंकि यहाँ पे नीचे की तरफ कौन सा प्लेन है, ग्राउंड प्लेन. ग्राउंड प्लेन पे किसी भी तरीके का फील्ड नहीं होगा. अच्छा, यदि आप एक्स एक्सिस से देखेंगे तो क्या इस तरीके से दिखेगा, क्या मोनोपोल इस तरीके से मोनोपोल दिखेगा, इस तरीके का आपको एट, हाफ ऑफ द एट पोर्शन आपको दिखेगा, हाफ हेमीस्फेयर पे दिखेगा. तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मोनोपोल का रेडिएशन पैटर्न बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइपोल. क्योंकि डाइपोल कैसा रेडिएशन पैटर्न प्रोड्यूस करता, ओमनी डायरेक्शनल. मोनोपोल भी कैसा करता है, ओमनी डायरेक्शनल, लेकिन मोनोपोल में हाफ ऑफ द हेमिस्फेयर. हाफ ऑफ द हेमिस्फेयर मतलब
एक्स वाई प्लेन के ऊपर की तरफ दिखेगा सिर्फ। आप डोनट को यदि जेड एक्सिस से देखेंगे तो कैसा दिखेगा? सर्कल। इसमें भी डोनट को यदि जेड एक्सिस से देखेंगे तो क्या दिखेगा? सर्कल। इसको एक्स एक्सिस से देखेंगे तो कौन सा प्लेन दिखेगा? वाई जेड प्लेन। वाई जेड प्लेन पे कैसा दिखा? शेप एट। इसको एक्स एक्सिस से देखेंगे तो कौन सा प्लेन दिखा? वाई जेड प्लेन। वाई जेड प्लेन में केवल हाफ ऑफ द हेमिस्फीयर पे बनाना है, ऊपर की तरफ सिर्फ बनाना है, नीचे की तरफ नहीं बनाना है। क्यों? क्योंकि नीचे क्या है? ग्राउंड प्लेन है। ग्राउंड प्लेन के नीचे किसी भी तरीके का फील्ड नहीं होगा। तो ये था रेडिएशन पैटर्न। बट आपको ये हमेशा याद रखना है कि दीज रेडिएशन पैटर्न्स आर वैलिड ओनली फॉर फ्री स्पेस। ये रेडिएशन पैटर्न किसके लिए वैलिड है? फ्री स्पेस के लिए वैलिड है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। डायरेक्टिविटी ऑफ द मोनोपोल एंटीना। तो डायरेक्टिविटी ऑफ द मोनोपोल एंटीना क्या है कि यदि आप डायरेक्टिविटी को बोलें तो डायरेक्टिविटी क्या बताता है? डायरेक्टिविटी डिफाइंस द डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ द एंटीना। अच्छा, आप देखिए ये कौन सा एंटीना है? डाइपोल एंटीना है। कैसे पहचाना? इसकी लेंथ कितनी है? लैम्डा बाई टू है। यदि मैं इसको एक्स एक्सिस से देखूंगा तो कौन सा प्लेन दिखेगा? वाई जेड प्लेन दिखेगा। जेड एक्सिस से मेजर किए जाने वाला एंगल क्या कहलाता है? थीटा कहलाता है। इसी को क्या बोलते हैं हम? एलिवेशन एंगल बोलते हैं। तो आप देखिए यदि इसको जेड एक्सिस से देखेंगे ये कैसा रेडिएशन पैटर्न प्रोड्यूस करता है? ओमनी डायरेक्शनल। ये भी कैसा रेडिएशन पैटर्न प्रोड्यूस करता है? ओमनी डायरेक्शनल। यदि इन दोनों को जेड एक्सिस से देखूंगा तो कौन सा प्लेन दिखेगा? एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन पे हमेशा कैसा दिखेगा? सर्कल। चलिए यदि इसको एक्स एक्सिस से देखेंगे तो वाई जेड प्लेन। वाई जेड प्लेन पे क्या बनेगा? एट। लेकिन इसको यदि एक्स एक्सिस से देखेंगे तो इसमें भी एट बनाया है लेकिन हाफ ऑफ द हेमिस्फीयर के ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ नहीं। तो डायरेक्टिविटी क्या है? डायरेक्टिविटी मैंने कभी एक्सप्लेन किया है, मेरा डायरेक्टिविटी का लेक्चर आप देख लेना। तो डायरेक्टिविटी डिफाइंस द डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ द एंटेना। ये आपको पहला पॉइंट याद रखना है। तो डायरेक्टिविटी का इक्वेशन देखिए, डायरेक्टिविटी का इक्वेशन क्या है? इज इक्वल टू 4 पाई अपॉन थीटा ई इंटू थीटा एच। ये थीटा ई और थीटा एच क्या है? हाफ पावर बीम विड्थ इन ई प्लेन, इसको बोलते हैं। थीटा एच क्या है? हाफ पावर बीम विड्थ इन एच प्लेन। तो आप देखिए हाफ पावर बीम विड्थ क्या कहलाता है। मान लीजिए आपके पास एक रेडिएशन पैटर्न है, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे पावर क्या हो जाए? हाफ हो जाए। यहाँ पे पावर कितनी है? 1। कुछ नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे पावर कितनी हो गई? हाफ। यहाँ पे एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ये ऐसा एंगल बना लीजिए। तो ये जो विड्थ होगी, ये जो एंगुलर विड्थ होगी, ये एंगुलर विड्थ क्या कहलाएगी? हाफ पावर बीम विड्थ। तो आप देखिए कि आप सोच के देखिए, क्या इन पॉइंट्स पर पावर हाफ हो गई? बिल्कुल हो गई। एक ऐसे पॉइंट जहाँ पर पावर क्या हो जाए? हाफ हो जाए, ऐसे पॉइंट्स को क्या कहते हैं? हाफ पावर पॉइंट्स कहते हैं। और इसकी जो एंगुलर विड्थ होगी, ऐसे लाइन खींच लीजिए, ऐसे लाइन खींच लीजिए, क्या इस एंगल को मेज़र कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या इसकी एंगुलर मेजरमेंट कर सकते हैं? कर सकते हैं। जो भी एंगुलर विड्थ होगी इसको हम कहते हैं हाफ पावर बीम विड्थ। तो आप देखिए मोनोपोल और डाइपोल, ये डाइपोल और ये मोनोपोल। तो देखिए एच प्लेन पे तो दोनों सेम है, इसको एच प्लेन बोलते हैं, इसको ई प्लेन बोलते हैं। एच प्लेन पे इस केस में भी सर्कल, इस केस में भी सर्कल, तो एच प्लेन पे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ई प्लेन पे ये ज़्यादा वाइडर लग रहा है और ये हाफ हाफ हो गया। ये मोनोपोल के केस में कैसा हो गया? हाफ हो गया है। तो मतलब ये बात मैं कह सकता हूँ, ये बात मैं रफली यहाँ पे कह सकता हूँ कि यहाँ पे इस केस में, मोनोपोल के केस में बीम विड्थ कितनी हो गई? हाफ हो गई। क्यों हाफ हो गई? क्योंकि रेडिएशन पैटर्न ही हाफ हो गया, इसलिए बीम विड्थ भी क्या हो जाएगी? ये इसकी जो विड्थ होगी वो हाफ हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये है, पहले बात तो आप ये देखिए, क्या इन दोनों में डिफरेंस देखिए, क्या मोनोपोल हाफ ऑफ द डाइपोल है? बिल्कुल है। क्या ये जो मोनोपोल का पैटर्न है हाफ ऑफ द डाइपोल का पैटर्न है? बिल्कुल है। मान लीजिए इसके केस में हाफ पावर बीम विड्थ 40 डिग्री आ गई, तो इसके केस में कितनी आ जाएगी? 40 का डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, 20 डिग्री आ जाएगी। क्यों आ जाएगी?
क्योंकि ये जो रेडिएशन पैटर्न है इसका आधा है। तो आप देखिए, यदि मान लीजिए डाइपोल की डायरेक्टिविटी आपने क्या दी है, 4π/θ in θ h, तो मोनोपोल की कैसे देंगे, मोनोपोल की इज इक्वल टू डी मोनोपोल, डायरेक्टिविटी ऑफ मोनोपोल इज इक्वल टू 4π/, इसमें क्या हो गया, हाफ पावर बीम विड्थ, इस केस में क्या हो गया, हाफ हो गई, आधी हो गई, क्योंकि आधे पोर्शन पे है। थीटा एच पे कोई फर्क पड़ेगा, हाफ पावर बीम विड्थ इन एच प्लेन, नहीं, क्यों, इस दोनों के केसेस में, दोनों के इस केस में भी ये है, इस केस में भी सेम है, एच प्लेन पे दोनों सेम हैं, इसलिए थीटा एच दोनों में सेम है। ई प्लेन पे क्या हो गया, ई प्लेन पे मोनोपोल आधा हो गया, इसलिए मैंने क्या लिखा, थीटा ई डिवाइडेड बाई टू। तो इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 2 × 4π, ये 2 को ऊपर ले जाऊँ, 2 × 4π/θe·θh, ये थीटा ई इंटू थीटा एच, ये जो इक्वेशन है ये डाइपोल है, बिल्कुल है। तो डायरेक्टिविटी ऑफ मोनोपोल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डायरेक्टिविटी ऑफ डाइपोल, ऐसा दिखेगा मुझे इस इक्वेशन में। तो चलिए, वैसे डायरेक्टिविटी ऑफ द डाइपोल एंटीना कितना होता है, 1.67। तो आप डायरेक्टिविटी ऑफ मोनोपोल क्या लिखेंगे, 2 × 1.67, मतलब 3.34 के आसपास आ जाएगा। मान लीजिए इसी डायरेक्टिविटी को हम डीबी में कन्वर्ट करें, तो वही पुराना इक्वेशन देखिए, डायरेक्टिविटी ऑफ मोनोपोल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डायरेक्टिविटी ऑफ डाइपोल। तो डीबी में कन्वर्ट करना है तो मुझे 10 log लेना पड़ेगा दोनों तरफ, तो 10 log लूँगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डीबी में। तो डायरेक्टिविटी ऑफ मोनोपोल इन डीबी, दोनों तरफ 10 log लिया है, तो ये क्या हो जाएगा, 10 log 2, लॉग की प्रॉपर्टी क्या है, मल्टीप्लिकेशन किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में, प्लस 10 log ऑफ डाइपोल। तो 10 log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 3, प्लस 10 log ऑफ डाइपोल का, डाइपोल का डायरेक्टिविटी कितना होता है, 1.67, 1.67, 10 log 1.67 करिए, 3 + 2.22, तो कितना आ जाएगा, 5.22 dB आ जाएगा। तो इस तरीके से हम रेडिएशन पैटर्न को हम और डायरेक्टिविटी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार फिर से देखते हैं कि रेडिएशन पैटर्न क्या है, ये अपना डाइपोल है, ये मोनोपोल है, मोनोपोल डाइपोल का हाफ अवधि होता है, दोनों को जेड एक्सिस से देखिए क्या मिलेगा, सर्कल सर्कल मिलेगा, दोनों को एक्स एक्सिस से देखिए तो इसमें तो फुल मिलेगा, इसमें हाफ मिलेगा, इसमें हाफ क्यों मिलेगा, क्योंकि नीचे ग्राउंड प्लेन है, ग्राउंड प्लेन के नीचे कोई भी फील्ड नहीं होगी। दोनों किस तरीके का रेडिएशन पैटर्न प्रोड्यूस करते हैं, ओमनी डायरेक्शनल रेडिएशन पैटर्न प्रोड्यूस करते हैं। फिर इसके बाद मैंने किसकी चर्चा की, डायरेक्टिविटी की। डायरेक्टिविटी क्या बताती है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ द एंटीना। यदि इस इक्वेशन को देखा जाए तो इसमें क्या लिखा है, 4π/θe·θh, थीटा ई क्या है, हाफ पावर बीम विड्थ इन ई प्लेन, थीटा एच क्या है, हाफ पावर बीम विड्थ इन एच प्लेन। तो ये मान लीजिए ये एच प्लेन है और ये क्या है, ई प्लेन है, एच प्लेन पे दोनों में सर्कल दिख रहा है, एच प्लेन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ई प्लेन पे ये फुल एड दिख रहा है, ये हाफ ऑफ दी एड दिख रहा, ऊपर की तरफ दिख रहा, नीचे की तरफ क्यों नहीं दिख रहा, बिकॉज ऑफ ग्राउंड प्लेन। हाफ पावर पॉइंट्स क्या कहलाते हैं, एक ऐसे पॉइंट जहां पर पावर क्या हो जाए, हाफ हो जाए। क्या ये एंगुलर सेपरेशन है, क्या ये एंगुलर विड्थ आप मेज़र कर सकते हैं, और इसी विड्थ को क्या बोलते हैं, हाफ पावर बीम विड्थ बोलते हैं। इस इक्वेशन में देखिए क्या मॉडिफिकेशन होगा, यदि जेड डायरेक्टिविटी ऑफ मोनोपोल, यहाँ पे क्या लिख दूंगा, थीटा ई डिवाइडेड बाई टू, क्योंकि हाफ है, थीटा एच में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो इस इक्वेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, डायरेक्टिविटी ऑफ मोनोपोल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डाइपोल, डाइपोल की डायरेक्टिविटी कितनी होती है, 1.67, तो डायरेक्टिविटी ऑफ मोनोपोल क्या हो जाएगा, 2 × 1.67। इसको डीबी में कन्वर्ट करना है तो इस इक्वेशन को क्या करिए, लॉग में लीजिए, तो 2 को लॉग में लेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 log 2 + 10 log डायरेक्टिविटी ऑफ डाइपोल, 10 log 2 मतलब 3, इसको 10 log 1.67, कुल मिला के कितना आ जाएगा, 5.22। तो यहीं से हम मोनोपोल ख़त्म करते हैं। मोनोपोल में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी,
मोनोपोल का फिजिकल स्ट्रक्चर देखा, उसमें स्टैंडिंग वेव पैटर्न बनता है, रेजोनेंट एंटीना कहलाता है, करंट डिस्ट्रीब्यूशन देखा, फिजिकल साइज आइडियल केस में, ग्राउंड प्लेन की साइज आइडियल केस में, ये कैसा सर्किट बिहेवियर दिखाता है, इसमें रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी फॉर्मुलेशन कैसे दिए थे, वेलोसिटी फैक्टर क्या फ़र्क पड़ता है, अनबैलेंस एंटीना है, रेडिएशन पैटर्न देखा, डायरेक्टिविटी देखा, इसकी S11 कैरेक्टरिस्टिक देखी, सो मैनी थिंग्स हमने इसमें देखा, इसका इनपुट इम्पीडेंस भी देखा, इसका इनपुट इम्पीडेंस कितना होता है, इसका इनपुट इम्पीडेंस अपना होता है 73/2, इसका ये मोनोपोल का होगा यानी 36.5 ओम होगा, किस केस में, रेजोनेंस के केस में ये मिलेगा। तो यहाँ से हम मोनोपोल ख़त्म करते हैं और मोनोपोल के बाद हम नेक्स्ट एंटीना ग्राउंड प्लेन एंटीना देखेंगे। तो होपफुली ये लेक्चर रेडिएशन पैटर्न का और डायरेक्टिविटी का आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर देन प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू वेरी मच।